सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये है वो शीश महल जो मैं आप लोग को खास तौर से दिखाना चाहता था। बहुत ही खूबसूरती से, मतलब इतना बारीक काम किया गया है शीश महल में। आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि कहाँ पर, किस फिल्म में आपने इसको देखा था। बहुत ही खास फिल्म है, आप लोगों की पसंदीदा फिल्म है। क्लू भी देता हूँ, सलमान खान की फिल्म है। उसमें ये शीश महल यूटिलाइज़ किया गया था और अब उसी महल में, उसी खूबसूरत शीश महल में मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। और देखिए कितनी खूबसूरती से आर्ट डायरेक्टर ने इसको बनाया। अगेन, ये महल वाकई किसी राजा महाराजा का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म के पर्पज़ से बना गया है। इसमें देखिए कांच का काम है, लेकिन कांच का काम उस तरह से किया गया है कि कैमरे का रिफ्लेक्शन नहीं आए, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आए। ये ज़्यादा इनके लिए चैलेंज होता है। ये पूरा टेम्प्रेरी काम है, ये कोई भी मजबूत चीज़ नहीं है। लेकिन अब इसको रखा गया है ताकि आप लोग, मतलब पब्लिक भी आकर देख पाए, एक्सप्लोर कर पाए कि किस तरह की ये खूबसूरत चीज़ होती थी, क्योंकि अब तो ये सब देखने को मिलता नहीं है। तो आइए थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये फर्नीचर भी अगेन जो बनाया गया है, इसमें भी कांच ही कांच है। इवन ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी इस तरह का यूज़ किया गया कि आपको देखने में लगे कि वो भी कांच का है। हर चीज़ पे उन्होंने उसी तरह से बारीकी से काम किया। इवन फ्लोर पे भी देखेंगे आप तो फ्लोर पे भी उसी तरह से किया गया है पूरा। यहाँ पे थोड़ा टूट गया है तो दिख रहा है, देखिए ये इस तरह से काम किया गया होगा। तो इतनी मेहनत की जाती है, इतनी शिद्दत से मेहनत की जाती है, क्योंकि फिल्म एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। फिल्म में हर चीज़ बहुत सीरियस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो पब्लिक के पास जाता है और पब्लिक कभी भी ख़राब चीज़ को पसंद नहीं करती, कभी भी नहीं देखती। इसमें देखिए कि छत पे जो है बिल्कुल बनाया गया है कांच वाला ही, इसमें तराफे वाली जगह नहीं दी गई है क्योंकि इसका यूज़ अलग है। इसलिए वहाँ पर ज़रूरी है कि जब छत भी दिखे, मतलब कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सेट आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे से ना सपोर्ट दिया गया है पाइप से। यहाँ से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये कोई दीवार नहीं है। उस तरह से देखेंगे तो दीवार नजर आएगी, लेकिन ये दीवार नहीं है। ये उसको देखिए सपोर्ट दिया गया, मतलब बिल्कुल फ्लैट है। लुक के लिए ये काम किया जाता है। और यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है उस जमाने का, मतलब मूर्ति, इसको भी देख सकते हो। तो ये फिर अब आप अंदर आके देखिए तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि पुराने स्ट्रक्चर मूर्तियाँ हैं जो मैंने आपको बताया। उधर पर वो हाथियों की मूर्ति, हाथी मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सूंड वाला भी आती है। यहाँ पर बनाया जाता था, अलग अलग ट्रेडिशन और कल्चर होते थे, बहुत सारी चीज़ों को दिखाया। अब देखिए जो दीवार मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ से बहुत अच्छे से आपको कैमरे में दिखेगी कि उसमें सपोर्ट भी है, और यहाँ से देखिए आप उसको स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बिल्कुल वो है। लेकिन इतना अच्छा 3D फॉर्मेट में इसको तैयार किया जाता है कि जब कैमरे पर दिखता है तो वो आपको लगता है कि एक दीवार है, एक किला है। अभी देखिए कितना मजबूत दिख रहा, लग रहा है कि लोहे का या पत्थर का, बिल्कुल बहुत मजबूत है। लेकिन पीछे से आप देख सकते हैं सपोर्ट सिस्टम के साथ उसको रखा गया है। और ये है वो किला जो अलग से है। अब इसको आप चारों तरफ से देखेंगे अगर, तो ये अलग अलग जगह पे, फिर मैंने जैसा आपको कहा था कि इस तरफ स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, इस तरफ देखेंगे तो टोटली डिफरेंट है, इस तरफ अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इस ब्लॉक को फिर कहीं और यूटिलाइज करेगा डायरेक्टर। और यहाँ पर कुछ ये वाला स्ट्रक्चर अलग है, वो एक गेट जैसा दिखाया गया उधर पे, जैसे कि शहर के अंदर जा रहे हैं या उस तरह का कुछ होगा। और यहाँ पर कुछ रखी हैं पालकियाँ, जो पुराने ज़माने में महिलाओं को लाने ले जाने की व्यवस्था की जाती थी पालकी के थ्रू, वो है ये। इसको भी नज़दीक से देखते हैं तो ये है वो पालकी। इसमें सिर्फ जो उठाने के लिए वो तो ये रखा गया है पाइप, जबकि पाइप उस ज़माने में नहीं होता था। और बाकी सब जो है मैंने आपको बताया ना, वो जो मटेरियल होता है जिससे कि तैयार की जाती है सब चीज़ें, उससे है। बिल्कुल ये हल्का मटेरियल है, ऐसा लकड़ी नहीं है, ये एक्चुअली लकड़ी नहीं है। ये उसी महल की दीवार दिखाई गई है। पुराने ज़माने में दीवार पर भी बहुत कलाकारी, काश्तकारी की जाती थी, मूर्तियाँ उकेरी जाती थी और बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते थे, तो उसी का यहाँ पर दर्शन देखने को मिल रहा है। ये पूरी दीवार में देखिए आपको अलग अलग तरह की मूर्तियाँ दिखेंगी और स्ट्रक्चर दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी जैसी दिखाई गई है, और पीछे क्योंकि शिवजी का मंदिर है तो हो सकता है कि नंदी बैल या इस तरह से कुछ दिखाने की कोशिश की गई हो, या फिर उस फिल्म के हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट हो, कोई डांस सीक्वेंस हो सकता है या कोई और सीक्वेंस हो सकता है जिसमें इसको दिखाया गया हो। लेकिन ये जो बैलगाड़ी है ये भी बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। आप देखिए इतने बड़े बड़े उसमें बैल बनाए गए हैं
और बैल के पीछे वो बैलगाड़ी का है, लेकिन क्या इस्तेमाल हुआ होगा इसका मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर हुआ होगा। और ये है वो शिवजी का मंदिर, इसको भी बहुत खूबसूरती से बनाया गया, लेकिन अगेन ये टेम्प्रेरी मटेरियल से ही बनाया गया है, ये बिल्कुल अंदर से कुछ नहीं है, पोल लगे हैं और ये प्लाई है, मतलब बोर्ड है, बोर्ड है, और ये भी जो मूर्ति भी बनी होगी ये भी आर्टिफिशियल मटेरियल से ही बनाई गई होगी। और ये है अशोका सम्राट का जो महल है उसका अंदरूनी हिस्सा, यहाँ पर सब सिंहासन लगे हुए हैं मंत्रियों के बैठने के लिए, और वहाँ पर वो मेन सिंहासन है मतलब अशोका का। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो छत जो मैंने आपको बताया कि लाइट के हिसाब से होती है, तराफा बोलते हैं उसको, तराफा बांधने के लिए, और लाइट मैन इसमें लाइट लगा देते हैं और पीछे नीचे वो लाइट अप होता है पूरा का पूरा हिस्सा। ओके, तो ये है सिंहासन है यहाँ पर है, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये यहाँ पर दिखाया गया, देखिए। और जो दिए आपको दिखते हैं, देखिए वो दिए एक्चुअल दिए नहीं है, ये बल्ब है, लेकिन दूर से जब वो डिफोकस में दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दिए जल रहे हैं, जबकि ये मिर्ची बल्ब बोलते हैं, ये बल्ब हैं उस तरह के। और ये है सिंहासन उनका। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर सम्राट अशोक बैठते होंगे तो कैसे बैठते होंगे। उम्मीद है सम्राट जैसा तो नहीं लग रहा हूँ, लेकिन अच्छा तो लग ही रहा हूँ। ओके, तो ये है पूरा का पूरा सेटअप, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सिंहासन है, बहुत खूबसूरत सिंहासन है, वाह। और ये जो है ये बेडरूम आप कह सकते हैं, मतलब शयन कक्ष जैसा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे भी दो तीन हिस्सों में चीज़ों को रखा गया है, जैसे कि ये श्रृंगार का सामान रखा और बहुत बड़ा ये मिरर दिखाया गया है, और फिर ये शायद स्नान गृह जैसा है जहाँ पर कि एक कुंड जैसा यहाँ बनाया गया है, जैसे पुराने ज़माने में कुंड कहते थे कि वहाँ पर पानी है तो राजा या रानी नहा सकते हैं, वो सब तरीके का है, और यहाँ पे ग्रीनरी उस तरह से दिखाई गई है, तो इस हिस्से को वैसा दिखा दिया गया है। वहीं अगर हम इस तरफ आएँ तो ये देखिए शयन कक्ष के हिसाब से, मतलब जो पलंग होता है, जो बिस्तर होता है, वो दिखाया गया है, और पहले जिस तरह से खूबसूरत डिज़ाइन वाले पलंग बनाए जाते थे उसी तरह का यहाँ पर भी बनाया गया है, ये भी टेम्प्रेरी है और बहुत ही बढ़िया बनाया गया। और अगेन देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर बैठने का स्थान अलग तरीके से, और अगेन लाइटिंग के लिए सेम पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है ये भी बैकड्रॉप में यूज़ होती है, जो आप ये वाला गैप देख रहे हैं ना, बैकड्रॉप में यहाँ लाइटिंग करके लिफ्टअप कर दिया जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब एक डेप्थ लगती है जो आपको लगता है ये बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा, तो उसको दिखाने का काम होता है, वो आर्ट डायरेक्टर की सोच होती है, उस तरफ से डिज़ाइन करता है और सिनेमाटोग्राफर उस तरह से उसको शूट करता है। अब एक और इसके बगल में ही एक और रूम है, इसको भी हम चल के देखते हैं, और ये फिर दूसरा रूम है, यहाँ शायद रानी साहिबा बैठती हों, उस तरह के छोटे छोटे सिंहासन लगाए गए हैं अपनी प्रजा के साथ, या फिर और जो उनके सेवक होते हैं उनके साथ बैठते हों, उस तरह का दिखाया गया है यहाँ पर। इसके ठीक दूसरी तरफ, मतलब देखिए छोटे हिस्से को ही बदल के अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और यही कलाकारी है फिल्म वालों की, आर्ट डायरेक्टर्स की। यहाँ पर ये दूसरा रूम है, अगर आप देखेंगे गौर से तो इसकी जो दीवारें हैं उनका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, जो हमने पहले रूम देखा था वो बिल्कुल अलग डिज़ाइन का था, प्रॉपर्टी जो है उसका भी कलर बिल्कुल अलग अलग है। आप देखेंगे यहाँ पर जो बैठने का है आसन वो अलग है, और यहीं से मैं दिखाता हूँ उसका अलग है, इससे क्या होता है बिल्कुल फील बदल जाता है, एकदम लुक बदल जाता है, प्रॉपर्टी सारी अलग अलग है, मतलब यहाँ पर डेकोरेशन के भी जो आइटम है बिल्कुल अलग है। और अगेन वही हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि ये बिल्कुल भी पत्थर का नहीं है, ये मटेरियल अलग है। ये देखिए गढ़ किला, जहाँ पर शिवाजी महाराज, जो आपने सीरियल देखा था उसकी शूटिंग हुई थी, और आप अभी जैसे आप देख रहे हैं तो ये आ गया है वो वाला महल का हिस्सा, उसका फिर से गढ़ किला, मतलब हर ब्लॉक में चीज़ें चेंज हो रही हैं। और यहाँ पर अष्टविनायक भी एक जगह पे ही रख दिए गए हैं ताकि अगर कभी शूट करना हो तो वहाँ पे कर लेंगे, वो मैं दिखाता हूँ। और इधर पीछे देखेंगे तो वो छोटे छोटे मंदिर दिखाए गए हैं, तो ये फल वगैरह सब नकली हैं, लेकिन जब बैकड्रॉप में आपको ये शॉप्स नज़र आएंगे तो ऐसे ही लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल है। ये भी उस तरह से दुकान है, ये यहाँ पर आ गई, अब ये है अनाज की दुकान, यहाँ पर जो अनाज है वो भी नकली है, तो दूर से जो बैकड्रॉप में यूज़ होता है उस तरह का, ये बुरादा है लकड़ी का, उसको रखा गया है यहाँ पे। और फिर ये है कुछ अदर चीज़ों की दुकान, सिर्फ ये बैकड्रॉप के लिए यूज़ है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिल्मों में या सीरियल की शूटिंग में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि बैकड्रॉप नज़र आता है, उससे पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उस एरा का। ये है रायगढ़ फोर्ट की सब दीवारें, जो किले की दीवारें हैं आप देख रहे हैं पीछे से, यहाँ पर वही शिवाजी सीरियल की शूटिंग हुई थी, और इसमें शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी गई, इसलिए रखी गई क्योंकि पब्लिक को अगर देखने आना है तो उनके पर्पज़ से ही मूर्ति, वैसे अगर इसको हटाना पड़ेगा तो वो हटा सकते हैं शूटिंग के बाद। और उसी तरह से ये उनका मेन जो बैठने की जगह है वो दिखाया गया था,
और अभी यहाँ पर मूर्तियाँ इसलिए रख दी गई पब्लिक के अट्रैक्शन के लिए, लेकिन ये सब हटाई जा सकती हैं जब जब शूटिंग होगी तो इसको हटा दिया जाएगा। अगेन ये सब मटेरियल डिसमेंटल हो सकता है, सब टेम्प्रेरी है, यहाँ पे जितने भी चीज़ें सब टेम्प्रेरी सिर्फ और सिर्फ शूटिंग पर्पज़ से हैं। ये जो मंदिर है आप जो देख रहे हैं ये भी बहुत सारी फिल्मों में सीरियल में यूज़ हुआ है। लेटेस्ट आपने बजरंगी भाईजान में देखा होगा जब बच्ची जाती है मंदिर में तो वो ये मंदिर था, और ये मंदिर बनाया गया एक गांव के एंट्रेंस में, मतलब अगर गांव के साथ भी इसको दिखाना, ये गांव भी शिवाजी में और बहुत सारी सीरियल में, अभी गोविंदा की फिल्म शूट हुई रंगीला राजा उसमें भी दिखाया गया। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके हर ब्लॉक को हिंदुस्तान भर में जितने अलग अलग तरह के गाँव होते हैं जैसे घर बनते हैं उनको ध्यान में रखते हुए सबके स्ट्रक्चर उस तरह से अलग अलग बनाया गया, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, इस तरफ स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, और अगेन जो पहले होती थी मिट्टी की और गोबर की जो दीवारें खड़ी की जाती थी वैसा नहीं है, बांस की खपच्चियों के साथ वैसा कलर कर दिया गया है जिससे आपको लगेगा कि वो कच्ची दीवारें पुराने ज़माने की लेकिन वो क्रिएट की गई हैं। अब हम ना लोकेशन घूमते घूमते आ गए वहाँ पर जहाँ पर नितिन देसाई जी ने आज तक जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई और फिल्मों में यूज़ हुई हैं वो सब यहाँ पर रखी हैं, और मैं इस समय बैठा हूँ एक उसी तरह के रिक्शे पे जो उन्होंने किसी फिल्म के लिए क्रिएट किया होगा। अब हम देखते हैं आगे क्या क्या है। ओहो, रिक्शे पे चढ़ना भी मुश्किल उतरना भी मुश्किल क्योंकि आदत नहीं है। तो यहाँ पर वो सारी प्रॉपर्टी आप एक एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे ऊपर वो सिग्नल जो हम लोग देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर वो हैं, उसके बाद तो ये हैं वो ट्रैफिक सिग्नल आप ऊपर देख रहे हैं, मतलब जो पुराने ज़माने में जिस तरह के होते थे वो दिखाए जा रहे हैं, और उसके बाद ये बाकी प्रॉप्स हैं उसमें सिग्नल्स भी हैं बहुत सारे, और उसके बाद ये प्रॉप्स हैं ये भी उन्होंने कहीं यूज़ की होगी। तो सारी प्रॉप्स को लाके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया, और ये अपने आप ही एक पूरा का पूरा जो गली है पूरी गैलरी है ये उसी तरह से सजा दी गई है, और बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत। और ये सबसे कमाल की चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, आप लोग इसको देखते ही पहचान जाएंगे, ये उसका है मेक इन इंडिया का जो एक लोगो बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से वो है, और भी इसको अगर अच्छे से देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे इसको और बेहतर तरीके से। ये देखिए ये मेक इन इंडिया का वो लाइन है जो है, और बाकी ये पेंटिंग्स और आर्ट वर्क है। इसके अलावा एंटीक पीस जो पुराने ज़माने में जिस तरह का फर्नीचर होता था, ये देखिए अलग अलग तरह की अलमारी और बाकी चीज़ें हैं वो हैं, ये जो बहुत ही पुराने ज़माने में जिस तरह की चेयर्स यूज़ होती थी वो सब हैं। ये सब मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, बनाना और भी मुश्किल है, तो वो सब चीज़ें इन्होंने बनाई हैं फिल्मों में इस्तेमाल की है, और उसके बाद अब यहाँ पर लोगों के देखने के लिए भी रख दिया, और अगर दोबारा किसी को यूज़ करना है तो वो यूज़ भी कर सकता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो ये राजा महाराजाओं वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं वो हैं अलग अलग चीज़। ये शायद पुराने ज़माने का हेलीकॉप्टर है या कुछ मशीन बनाई गई होगी दिखाई गई होगी, पर है कुछ ये, या तो क्लॉक है कुछ है, और ये वो जो जाली वाला बहुत ही कोट होता है युद्ध में यूज़ होता है वो है। फिर एकदम से इधर देखते हैं तो बहुत सारी पुरानी क्लॉक्स हैं, कंप्यूटर मशीन्स हैं जो अब हमें देखने को भी नहीं मिलती हैं, पुराने टेलीफोन्स हैं, अब तो मोबाइल है तो सब लोग मोबाइल देखते हैं, पुराने प्रिंटर्स हैं, उसके बाद सिलाई मशीन, और यहाँ पर ये टाइपराइटर भी है, और बहुत सारे ये ग्रामोफोन है, ये लाउड स्पीकर है, अलग अलग तरह के लाउड स्पीकर्स हैं, बहुत सारी आर्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, और एक से बढ़कर एक है। अगर किसी फिल्म में जब ज़रूरत पड़ती है किसी सीन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ को ढूंढना, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जिसकी ज़रूरत होगी वो यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नया और पुराने ज़माने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। ये भी बहुत अच्छी अच्छी आर्ट प्रॉपर्टी है, बुद्धा का स्टैचू है, और ये जो चाय की केटलीज होती हैं वो है, डब्बा वाला जो मुंबई के डब्बा वाले लेके जाते हैं उस तरह के डब्बे हैं, और उस तरह का उनका जो रैक रहता है उससे वो चीज़ है। और फिर ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है वो है प्रिंटिंग मशीन, ये पुराने ज़माने में जो प्रिंट होता था वो इस तरह से होता था, एक वो है और एक ये है वो प्रिंटिंग मशीन। आपको देखने में बहुत बड़ी और अजीब और गरीब लग रही होगी लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी प्रिंटिंग मशीन की। उसके बाद ये बहुत सारी चूड़ियाँ, सारी चूड़ियाँ एक साथ रखी हुई हैं, और यहाँ पर फिर बहुत अलग अलग तरह के ये डब्बे हैं, कलरफुल भी हैं फिल्मी, तो जब जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर अवेलेबल है। फिर अगेन जैसे एक रिक्शा हमने शुरू में देखा था, ये दूसरा रिक्शा है बहुत ही कलरफुल रिक्शा,
और ये जो शरबत या बर्फ़ का गोला वाला जो ठेला होता है उस तरह का ये ठेला है। और ये हैं अलग अलग तरह के लैंप्स, देखिए कोई लैंप ना बॉटल से बनाया गया है, कोई अलग तरीके से, बहुत कलरफुल अलग तरह के लैंप्स हैं जो कि फिल्मों में यूज़ होते हैं या सीरियल शूटिंग में यूज़ होते हैं। ये देखिए बाकी एक गली की तरह यूज़ होने वाली जगह है, मतलब कहीं पे भी अगर कोई गली दिखानी है, भागने का कोई चेजिंग सीन है, तो उस तरह से बहुत अलग अलग चीज़ों को हटा के और दूसरी चीज़ें लगा के उस तरह का माहौल बना दिया जाता है। और ये है ओरिजिनल, वो जो पहले हाथगाड़ी कलकत्ता वगैरह में जो रिक्शा लेके आदमी लोग दौड़ते थे, बहुत ही भारी है, अगर उठाने की कोशिश करूँ तो उठेगा भी नहीं, बहुत भारी है। ओके, तो हर तरह की चीज़ें जो किसी भी एरा में यूज़ होती थी वो यहाँ पर इस शूटिंग लोकेशन में अवेलेबल है, ताकि कभी भी शूटिंग करनी हो तो कोई दिक्कत ना आए, हर तरह का सामान अवेलेबल हो जाए। और ये देख के तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि मैंने भी इसको कभी ओरिजिनली देखा नहीं था, और आपने भी पक्की बातें नहीं देखा होगा, सिर्फ फिल्मों में देखा होगा। तो फिल्मों में हम बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें देखते हैं जो हमने अपने जन्म से पहले की चीज़ें और आज नहीं देख पाए, लेकिन फिल्मों के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं। और ये है वो स्टेज या ऑडिटोरियम जहाँ पर बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं, जैसे कि फैशन हुई है, सुल्तान का जो आपने रिंग वाला लास्ट वाला सीक्वेंस देखा है वो यहाँ पर शूट हुआ है, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, बिग बॉस का जो फिनाले है वो भी यहाँ पर शूट हुआ है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक है, मतलब इसमें आर्टिस्ट जो है वो नीचे से ऊपर आता है, एक ये है सर्कल वाला, उसके बाद ये हैं स्क्वायर वाले, ये एक स्क्वायर वाला यहाँ पे है, एक वहाँ पे है और एक पीछे, तो पूरी तरह से ये मल्टी फंक्शनल है, इसमें आर्टिस्ट को कहीं से भी ला सकते हैं। और बहुत बड़ा स्टेज है ताकि अगर मूवमेंट है या कुछ भी क्रिएट करना है तो वो इजीली क्रिएट हो जाए, तो ये शूटिंग के पर्पज़ से ही बनाया गया है और इवेंट्स के पर्पज़ से। यहाँ पर सामने है ऑडियंस के बैठने की जगह, अगर आप ऑडियंस के बैठने की जगह देखेंगे तो आप समझेंगे कि उसको बहुत रेक्टेंगल उसमें रखा गया ताकि भीड़ ज़्यादा लगे, मतलब ऐसा फैला के रखा गया। आप देखेंगे तो उसमें रोज़ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन चौड़ाई बहुत ज़्यादा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो भरा हुआ लगे, भीड़ लगे। ये होता है इस तरह से कि शूटिंग के पर्पज़ से यूज़ अच्छे से हो पाए। और इसी के नीचे मेकअप रूम भी रखे गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये है वो मेकअप रूम जो मैंने बताया था, ऊपर स्टेज है इसके, जस्ट इसकी जो ऊपर है वो स्टेज है और नीचे ये मेकअप रूम है जहाँ पर सारे आर्टिस्ट आते हैं। बहुत सारे ये विंग बनाए गए हैं मेकअप के लिए ताकि कितने भी आर्टिस्ट आ जाएं लेकिन सबका मेकअप हो जाए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने वो हाइड्रोलिक देखा था, मैंने जो ऊपर स्टेज पे दिखाया था आपको, वो हाइड्रोलिक एक्चुअली यहाँ से ऑपरेट होता है, ये पूरा हिस्सा है उसका, ये उस स्टेज का बेस है, ये नीचे का ग्राउंड है और इसके ऊपर ही स्टेज है। तो आज आप लोग को बहुत नज़दीक से देखने को मिल रहा है, शूटिंग को समझने का मौका मिल रहा है, कैसे स्ट्रक्चर्ड किया जाता है वो समझने का मौका मिल रहा है। ओके, तो ये है वो कॉस्ट्यूम रूम जो कि आर्टिस्ट के यूज़ में आता है, जैसे कि हमने देखा कि स्टेज ऊपर था, फिर वहाँ पे मेकअप रूम था और यहाँ पर है कॉस्ट्यूम रूम, डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर कॉस्ट्यूम रखी हुई है। तो सब कुछ और शूटिंग का मटेरियल है वो एक ही जगह पर रहता है बहुत ज़्यादा, ताकि आना जाना ना पड़े, इससे टाइम बचता है और टाइम की बहुत ज़रूरत है शूटिंग में। ये एक और कॉस्ट्यूम रूम है, यहाँ पर भी बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स हैं अलग अलग, जो कि आर्टिस्ट भी पहनते हैं या फिर बैकग्राउंड में जो डांसर्स डांस करते हैं उन लोग के भी काम आते हैं। हर तरह के प्रोजेक्ट में अलग अलग तरह की ड्रेस यूज़ होती हैं, इसलिए हर तरह की ड्रेस अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन कुछ आप देख रहे होंगे कि कॉपी है, मतलब कि चार पाँच एक जैसी, ताकि अगर बैकग्राउंड में डांसर्स हैं या वो आर्टिस्ट हैं तो वो लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकें अच्छे से। और ये है एनडी स्टूडियो का वर्कशॉप जहाँ पर सारे पिलर्स स्ट्रक्चर्स को रेडी किया जाता है। आप पूरे देख रहे हैं अलग अलग चीज़ें रखी, कहीं पर आर्च रखा है, कहीं पर पिलर्स रखे हैं, कहीं पर और कुछ चीज़ें रखी हैं। ये नीचे आप देखेंगे तो ये जो मूर्तियाँ थी उस तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें बहुत सारी रखी ताकि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उसको वहाँ पर ले जाकर फिट कर दिया जाए। ये बहुत अलग अलग तरह के एंगल्स हैं लोहे के, तो जब जो बनाना होगा बना सकते हैं। दूसरा उस तरफ देखेंगे वर्कशॉप में तो बहुत सारी मूर्तियाँ रेडी हो चुकी हैं जो कि लगानी होंगी, शायद आगे जो भी शूटिंग सेट बन रहे होंगे उसमें एक कैमल भी है। तो ये है इनकी मेन वर्कशॉप, यहाँ पर सारे जो कारीगर, मतलब कलाकार कारीगर काम करते हैं वो सब यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर तैयार होने के बाद इसको फाइनल लोकेशन पे भेज दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वर्कशॉप आप देख रहे हैं, अभी आपने जो देखा था ना अकबर का किला, दिल्ली वाला किला, वो देखिए वो दिल्ली का किला दिख रहा है आपको जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उसके बिल्कुल सामने ये वर्कशॉप है। यही कमाल है स्टूडियो का कि हर जगह को यूटिलाइज़ किया गया है अलग अलग कामों के लिए। तो ये एक और गली है, इसमें भी दोनों तरफ अलग अलग तरह की दीवारें बनाई गई हैं। आपने किक फिल्म देखी होगी, किक फिल्म में जो उसका बाइक वाला शॉट है सलमान का, वो यहीं पर लिया गया। बहुत सारे शॉट्स बहुत सारी फिल्मों में लिए गए, बस होता ही है कि दीवार का कलर थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ी सी प्रॉप चेंज करी और फिर सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी ना फिल्म्स में सीरियल्स में बहुत काम आते हैं। कई बार यहाँ पर छोटी छोटी हट लगा दी जाती हैं तो एक बाज़ार हो जाता है, या फिर कुछ और क्रिएट करना है, कोई दूसरी चीज़ क्रिएट करनी तो वो हो जाती है। नए ज़माने की है तो उस तरह से दिल्ली का जो पुरानी गलियाँ उस हिसाब से अलग है, या पुराने ज़माने में अगर पिलर जैसी चीज़ें चाहिए तो फिर देखेंगे आप ये वाला जो पीछे वाला एरिया है ये पूरा पिलर्स वाला है, तो वो पुराने ज़माने का दिखाना है तो पिलर्स के तरह से दिखा दिया जाता है।
तो ये है फैशन स्ट्रीट, ये भी एक और दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरी गली जिसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये एक ब्लॉक है चौराहे जैसा, जहाँ पर एक टैंकर जैसी या बस जैसी चीज़ रखी जो सिक्योरिटी या आर्मी वालों की होती है। फिर ये पिलर वाला एक अलग ट्रेलर वाला सेक्शन है, इसको अलग तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है। और फिर यहाँ पे जो है वो दूसरे तरह के फिर अलग अलग बहुत सारे बैकग्राउंड है, मतलब जहाँ जहाँ मैं आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ टर्न होता हूँ तो ब्लॉक बदल जाते हैं। तो ये था आज का फिल्मी फंडे, जिसमें मैंने आपको एंडी स्टूडियो करजत दिखाया पूरी तरह से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शूटिंग लोकेशंस देख के बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए पूरा दिन बीत गया है सुबह से शाम तक, हालांकि बारिश भी हो रही थी, लेकिन घूमने में, देखने में और आपको दिखाने में बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह की शूटिंग लोकेशंस। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक बटन दबाइएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े। वीडियो को प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।